यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस पाइथन फन सीरीज और ये पाइथन फन सीरीज का वीडियो नंबर वन है इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिंट पब्लिक आई पी प्रोग्राम इसके लिए हमें इन तीन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप इज पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट पिप एक टूल होता है जिसका यूज करके हम पाइथन के मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस को मैनेज एंड इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन के न्यू वर्जन में पिप हमें पाइथन के साथ मिलता है लेकिन अगर आप ओल्डर वर्जन यूज करते हैं तो आपको पिप मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ेगा पिप का काम होता है एडिशनल मॉड्यूल्स लाइब्रेरीज एंड पैकेजेस को इंस्टॉल करना अब ये एडिशनल मॉड्यूल्स क्या होता है जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो हमें कुछ लाइब्रेरीज मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज लेकिन एडिशनल लाइब्रेरीज ऐसे पैकेजेस एंड ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो पाइथन के साथ नहीं आते हैं एंड रिक्वेस्ट उनमें से ही एक है सो so, हमें फर्स्ट रिक्वेस्ट मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा बाय यूजिंग पिप नेक्स्ट स्टेप इज रिक्वेस्ट मॉडल का यूज़ करना है रिक्वेस्ट मॉडल का यूज करने के लिए हमें इम्पोर्ट की का यूज करना पड़ेगा उसके बाद मॉडल का नाम लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट क्या होता है मॉडल को कैसे यूज किया जाता है अगर ये नहीं पता है तो मेरा ये वीडियो देखिए एंड जो थर्ड स्टेप है वो है गेट मेथड का यूज करना सो रिक्वेस्ट मॉडल में गेट मेथड है उस गेट मेथड का हम यहाँ पे यूज करेंगे उस गेट मेथड में हम पास करेंगे द यू आर एल ऑफ आई पी फाई अभी आई पी फाई क्या होता है आई पी फाई एक साइट है एक आईपी एड्रेस लुकअप सर्विस है ऑन द इंटरनेट सो इस आईपी पी फाइव साइट का हम यूआरएल पास करेंगे एज अ आर्गूमेंट इन दिस गेट मेथड चलिए इन तीनों स्टेप्स को प्रैक्टिकली करके देखते हैं सो द फर्स्ट स्टेप इज पीप इंस्टॉल रिक्वेस्ट आपको क्या करना है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और एक कमांड लिखनी है पीप इंस्टॉल रिक्वेस्ट एंटर करना है एंड थोड़ा सा वेट करना है सो लुक हियर सक्सेसफुली इंस्टॉल रिक्वेस्ट मॉड्यूल सो फर्स्ट हम रिक्वेस्ट मॉड्यूल में जो गेट मेथड है उसको अवेलेबल करेंगे बाय यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट मैं करूंगा फ्रॉम रिक्वेस्ट मॉड्यूल इंपोर्ट गेट मेथड रिक्वेस्ट जो मॉड्यूल होता है इस मॉड्यूल का काम होता है एस रिक्वेस्ट सेंड करना ओवर द इंटरनेट एंड इंटरनेट पे जो सर्विसेज है उन सर्विसेज को एक्सेस करना बाय यूजिंग पाइथन एंड जो गेट मेथड होती है इसका काम होता है गेट रिक्वेस्ट सेंड करना टू अ स्पेसिफाइड साइट गेट मेथड का यूज करने के लिए मुझे गेट मेथड का नाम लिखना है देन एज अ आर्गूमेंट मुझे पास करना है आई पी साइट का जो यू आर एल है वो यू आर एल आई पी फाय साइट का यू आर एल मैंने कॉपी कर लिया है और मैं यहाँ पे इसे पेश करता हूँ सो दिस इज द यू आर एल ऑफ आई पी फाई साइट नो जो भी आई पी एड्रेस गेट मेथड मुझे रिटर्न करेगा उसको मैं असाइन करता हूँ किसी वेरिएबल के साथ वेरिएबल इज आई पी सो आई पी एड्रेस को मुझे एज अ टेक्स्ट प्रिंट करना है सो so मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट टेक्स्ट एंड पब्लिक आईपी एड्रेस को प्रिंट करने के लिए मैं यूज करूंगा प्रिंट फंक्शन प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं पास करूंगा यूर पब्लिक आईपी एड्रेस इज और कॉमा लिख के आईपी वेरिएबल मैं यहाँ पे पास करूंगा सेव करता हूं इसे एंड रन करता हूं जस्ट लुक एट द आउटपुट यूर पब्लिक आईपी एड्रेस इज ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है लेकिन आपको एक बात याद रखनी है आप इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते हैं तो आपको एक्सेप्शन एरर मिलेगा नौ मैंने इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कर दिया है अब मैं इसे फिर से सेव करता हूँ और फिर से रन करता हूँ लुक एट द आउटपुट मुझे एरर मिलेगी बहुत बड़ी एरर दैट इज़ द एक्सेप्शन एरर सो इस तरह हम पाइथन का फायदा उठा सकते हैं अगर आप पाइथन डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारी कोर पाइथन की सीरीज चल रही है जाइए वो सीरीज़ देखिए इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा विल सी यू नेक्स्ट टाइम